नमस्कार, बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश फड़ियाल। पिछले कुछ दिनों से जो किसान जो कोकुन पालते हैं, रेशम का कीड़ा पालते हैं, उनकी कोकुन जो है पिछले कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ दिनों से जो है वो खरीदी नहीं जा रही थी। अब कुछ दिन पहले ही जो है सेरिकल्चर विभाग द्वारा कोकुन की मंडी लगाई गई है और बाहर से जो है कुछ ठेकेदार आए हैं जो कि कोकुन खरीदना शुरू की है। वहीं किसानों से हमने बात की। किसानों का कहना है कि उनको वो दाम जो है वो नहीं मिल रहे हैं जो पहले मिलते थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर हैं राजीव गुप्ता जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। ये बताएं कि किस तरह का रिस्पॉन्स जो है किसानों का आपको मिल रहा है जो कोकुन खरीदी जा रही है? सर, ऐसा है कि कोकुन का जो अभी तक जो किसानों का रिस्पांस है ठीक ही है, इतना वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है उनका जो कोकुन्स पड़े हुए हैं अपने घरों में। और जैसे मैंने हमारे जो ऑटम जो मतलब बरसात का दिन टाइम निकलता है तो इन कोकुन्स की लस्टर जो है वो का फर्क उसमें फ़र्क आ जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा जो रेट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन एक और भी एक रीज़न है इसके बीच में कि क्योंकि कोविड के कारण जितनी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो उनको काफ़ी असर हुआ है कोविड के कारण, क्योंकि उनका काम बंद पड़ा है और वो जो खरीदने वाले हैं बायर जो लोग हैं उनके पास पैसे की सर्कुलेशन में फ़र्क है, क्योंकि उन लोगों ने जो धागा अपना जैसे वो बता रहे हैं कि बेंगलोर में दिया हुआ है और वो उनका पैसा वहाँ से नहीं आ रहा है, इस वजह से हमारे पास बायर कम आ रहे हैं। जब अगर बायर ज़्यादा आए होते तो कंपटीशन ज़्यादा होता। ये ओपन ऑक्शन मार्केट है और ओपन ऑक्शन मार्केट में हम कोशिश करते हैं जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम किसान लोगों को फ़ायदा हो सके दे को, 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 उनकी उनको पैसे देने की कोशिश दिलवाने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो है कितने दिन हो गए मंडी लगे हुए और कितनी कोकुन जो है वो बिकती है? सर, ये 18 तारीख से हमने मंडी लगाई थी और कल तक के जो फिगर्स हैं वो 3915 किलो हमने क्रॉप लोगों से ले ली है। 318 जो किसान भाई हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन 2 लाख के करीब उन्होंने पैसे लिए हैं, बिल लिए हैं। अभी पैसे उनको देने हैं हमने, बट उनको क्रॉप आ गई है, पैसे साथ में दे देंगे उनको। कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से एक पहल आप मानते हैं कि बड़े दिन से क्रॉप जो है वो लोगों के घरों में पड़ी थी, लोग परेशान थे कहाँ जाएं कहाँ रखें, तो क्या मानते हैं कि विभाग की जो पहल है कितनी साबित अच्छी हो रही? सर, विभाग ने एक पहले ही प्रयास किया था, उसमें हमने जो हमारा JKI विभाग है उसके साथ मिलके लोगों की थोड़ी बहुत कोकुन उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास भी इतने पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो पाया था और जितना उन्होंने हो सका उन्होंने भी क्रॉप उठाया। उसके बाद में अब ये हमारा दूसरा प्रयास है कि हमने बंगाल से, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज इतनी नहीं है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकें और इसकी क्षमता जो है यहाँ में JNK में कम है, इसलिए जितना भी हमारा कोकून है वो या तो बंगाल में जाता है या बेंगलोर जाता है, मतलब कर्नाटका में जाता है। तो इन दोनों जगहों के लिए आने के लिए पहले तो कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके बाद में हमने प्रयास किया कि ये बंगाल से और बेंगलोर से लोग आएँ और यहाँ पर ये कोकून ले लें। अभी वही से लोग जो आए हुए हैं वो आके कोकुन्स ले रहे हैं और हमारा यही कोशिश है कि लोगों किसान भाई हमारे जो है उन जिनके जितने भी कोकुन्स हैं उनके अच्छे से बिक जाएं और अच्छे पैसे लेके घर को जाएं। अस हैं डोगरे लोग, ये खोपटियाँ अस पालने, लेकिन जिसलै अस बेचने उन्होंने इत्थे बेकदरी बहुत परेशानी है असें हद कोला ज़्यादा। इस बारी जी मन्ने के करोना तो है, पर कोरोने के बावजूद भी जियां बंगाल के ठेकेदार आ दे 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो, 400 रुपया किलो, पर अफसोस इस गल्ला है कि इहदी इन्नी कदर पई। साड़ी मांग ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने किन्ने किसान लगभग जो अज इतने खुट्टी बेचने आए थे और किन्ने दिनों ये जी मंडी लगी थी? मंडी लगी सब तो पहला डेट का मिगी है नहीं है पता। उदे बाद किश किसान ऐसे दुखी होए कि जिन्हें खोपटी इत्थे गए फुकुड़ी कि इन्ना जनून आया कि यह केह रेट है कुछ नहीं है। उदे फुकने बाद उन्हें 2-4 महीने खोपटी गिनी लैती। अज अस लोग मजबूर हैं कि असें कित लानी है घर रखी है, अच्छे साड़ी कदर के 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो, 400 रुपया किलो बस। लेकिन साड़ी पोजिशन की अगर पिछें दिखी है कि कोई असें दिखे गए जा रहे ये बंदे कियां खोटी फलते हूँ, इनकी हालात के होंगी, इंदा परिवार का क्या हाल हों उस टाइम, कुसे लत्त कुसे बांह और कियां ये दुख करते हूँ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਅਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਰਾ ਲਾਚੇ ਪਰ ਕੋਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਚੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਕੰਨੇ ਐਸਾ ਹੋਈ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਧਾਗਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆਂ ਗੇ ਸੁਆਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਟੈਣ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸ ਇਹਦੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਪਾਲਣੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਰੇਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੇ ਸਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਈਆਂ ਲੱਗੀ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਦੇ 300-400 ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਰ ਗਏ, ਬਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦਾ।